माँ भारती को नमन करते हुए आज हम फिजिक्स 12th यूपी बोर्ड प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए कि कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्या हमें पढ़ना है अपनी फिजिक्स में, वो आज हम देखेंगे। तो सिलेबस के इंट्रोडक्शन में हम अपने संपूर्ण सिलेबस को 12th के 6 खंडों में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको जो सबसे पहले पढ़ना है वो वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। और जो दूसरा टॉपिक है वो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद जो अगला टॉपिक निकल के आता है वो इन दोनों का मिक्स है, यानी वैद्युत चुंबकत्व है अगला टॉपिक, वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो आपका प्रकाश है, पांचवा निकल के आपका आता है खंड जो है रासायनिक क्षेत्र, रासायनिक क्षेत्र। लास्ट का जो पार्ट है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लाइट, केमिकल फील्ड, इलेक्ट्रॉनिकी। हमारे यूपी बोर्ड के ओवरऑल सिलेबस को इन्हीं 6 खंडों में डिवाइड किया गया है, और इसमें से जो शुरुआत के 3 खंड हैं ये पेपर 1 के लिए हैं, और जो नीचे के 3 पार्ट आप देख रहे हैं ये पेपर 2 के लिए हैं। हम जानते हैं कि यूपी बोर्ड का जो भी हमारा पेपर होता है वो 70 अंकों का होता है, तो 35 अंक आपके फर्स्ट पेपर से मिलेंगे और 35 सेकेंड पेपर से। इन 70 अंकों को प्राप्त करने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल को फॉलो करना होगा, और अगर आप हमारे इन लेक्चर्स को सुनेंगे ध्यान से, नोट्स क्रिएट करेंगे साथ में, तो हम ये गारंटी लेते हैं कि 19 से 100 के बीच मार्क आने की संभावना रहेगी पूरी। तो हम जान लेते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो जो पहला लेसन है वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर हम स्थिर विद्युतकी का भी अध्ययन करेंगे, चार्ज जानेंगे क्या होते हैं हमारे आवेश से लेकर के हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे। जब हम चुंबकीय क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ चुंबक से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करना होता है हमको। आगे जब हम वैद्युत चुंबकत्व पढ़ेंगे तो यहाँ हम बेसिकली इन दोनों खंडों का मिश्रण, यानी वैद्युत और चुंबक से जुड़ी घटनाओं का मिश्रण एक साथ पढ़ेंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे तो लाइट पढ़ेंगे, और लाइट में हम जानते हैं कि प्रकाश से जुड़ी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन में हर दिन देखने को मिलती हैं, चाहे वो परावर्तन हो, अपवर्तन हो, ध्रुवण हो या फिर विवर्तन हो। आगे हम रासायनिक क्षेत्र पढ़ेंगे, और इस खंड में आपकी रसायन विज्ञान से अटैच्ड टॉपिक मिलेंगे। और लास्ट का हमारा जो खंड आता है इलेक्ट्रॉनिकी, लास्ट का जो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिकी है, यानी इन्हें हम यूनिट भी बोल सकते हैं। तो लास्ट का जो यूनिट है वो इलेक्ट्रॉनिकी है, और इस इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत हम कंप्यूटर से जुड़ी चीज़ें पढ़ेंगे कि कंप्यूटर हमारा कैसे वर्क करता है, वहाँ पर कैसे कंप्यूटर में 2 ही डिजिट का खेल होता है जिनसे हम अपने अनुरूप काम लेते हैं, और जो 2 डिजिट होते हैं उनको हम जानेंगे कौन कौन से डिजिट होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इन 6 खंडों को विस्तार से बताया कि हमारा टोटल सिलेबस 6 खंडों में डिवाइड है।
या ये समझ लीजिए कि हमने 6 खंडों में डिवाइड किया है और इसमें से 3 खंड ऊपर हैं और 3 नीचे हैं, तीनों ऊपर वाले फर्स्ट हैं और नीचे वाले सेकंड पेपर के हैं। और आज बेसिकली हमारा सिलेबस का ही इंट्रोडक्शन रहा, तो अगर आपसे कोई सिलेबस पूछ ले कि बताइए आप इंटर में क्या पढ़ रहे हैं, तो उसके सामने यही बताएंगे कि हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ते हैं, फिर वैद्युत चुंबकत्व पढ़ते हैं, प्रकाश पढ़ते हैं, रासायनिक क्षेत्र पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ते हैं। इंग्लिश में बताना चाहें तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं, केमिकल फील्ड पढ़ते हैं और लास्ट में इलेक्ट्रॉनिकी पढ़ते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर बस इतना ही है, इंट्रोडक्शन है सिलेबस का। और कल से हम लगातार इसके वीडियो अपलोड करेंगे और फर्स्ट पेपर आपका जो है लगभग 60 से 70 लेक्चर के बीच में जाएगा, इसमें आपके न्यूमेरिकल भी शामिल रहेंगे। सेकेंड पेपर भी कुछ ऐसे ही जाएगा 60 से 70 दिनों में। आप कह सकते हैं कि अगर आप हमारे साथ 160 से लेकर 180 दिनों की तैयारी करते हैं, और बेसिकली जो लेक्चर होंगे वो 20 से 30 मिनट के अंदर ही होंगे, इसके ऊपर का कोई लेक्चर नहीं होगा हमारा, तो अगर आप हमारे साथ लगभग 170 से 180 या 60 से 80 के बीच की कक्षाएं अटेंड करते हैं, तो हम ये गारंटी लेते हैं कि आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा में जो मार्क प्राप्त होंगे वो 90 से 100 के बीच, यानी 19 से 100 के बीच आपके मार्क प्राप्त होंगे। और इतना आसान बना करके हम इस सब्जेक्ट को आपके सामने रखेंगे कि आपको लगेगा नहीं कि हाँ फिजिक्स से भी कुछ डरने वाला है इसमें ऐसा कुछ, और ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि आपको आता ना हो फिजिक्स में, या आप देख करके कहें कि नहीं हो पाएगा हमसे, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल हो या कोई प्रूफ पॉइंट हो। थैंक यू सो मच।